अरे राजस्थान में देखो, सिटी में भालू आ गया। इतना बड़ा भालू कहाँ से है, लोगों को समझ नहीं आ रहा। और हाईलाइट क्या है बोल तो, लोग भालू को मारने लकड़ियाँ लेके जा रहे हैं। बोल तो भालू भी सोच रहा हूँ दिल में, अरे मैं भालू हूँ, अरे कुत्ता नहीं तुम ना, क्या तो भी लकड़ियाँ ले लेके आ रहे मारने, मेरी कोई इज्जत है नहीं है। अरे यहाँ देखो भालू बेचारा ढूंढ लेते यार, लोग कान तो भी, अरे भाई एक जिना नहीं दिख रहा दूर दूर तक। ऐसा तो लोग इतने दिखते रहते जंगलों में तक, लोग आ जा रहे हैं, ऐसा सिटी में लोग नहीं है। बोल के भालू परेशान होकर फिर रहा, हर कॉलोनी में गली गली फिर रहा भालू लोगों को ढूंढ लेते हुए, भाई आओ भाई हमारे घर को आओ भाई जंगल को आओ बोल के। और हाईलाइट क्या है बोल तो, भालू को लोग फिर रहे दो दो तीन तीन जने जाके मारने को फिर रहे लकड़ियाँ ले लेके। बोल तो भाई भालू की तो इज्जत ही नहीं है भाई, लोग एकदम भालू का स्टैंडर्ड गिरा दे रहे। अब देखो अब दो लोग जाते हैं देखो ढूंढने भालू को, तो भाई एकदम भालू का तो, और भालू को पकड़ने लोग पैदल मोटरसाइकिल में कारों में जा रहे हैं। मतलब भालू है वो, उन्हें एक पंजा मारा बोले तो यहाँ जा, यहाँ मारे तो वहाँ जाके गिरते। वैसा लोग देखो मोटरसाइकिल जीप आंदर लेके जा रहे भालू को पकड़ने, तो भालू की तो कोई इज्जत ही नहीं है भाई। और यहाँ देखो हैदराबाद में इतना बड़ा पैतन आ गया, वो भी बंजारा जैसे सिटी, मतलब पॉपुलर सिटी, जहाँ दूर दूर तक कोई जंगल नहीं है कुछ भी नहीं है, वहाँ इतना बड़ा सांप आ गया। लोग इसको एनाकोंडा बोल रहे हैं, लोग इसको पैतन बोल रहे हैं, लेकिन है पैतन ये, इतना बड़ा सांप आ गया। लोग परेशान हैं रात के टाइम पे, अच्छा दिख गया इन्हें, ये तो क्या होता था सोच लो अब, खाली तो रात को आदमी मालूम भी नहीं होता। सिटी में इतने खतरनाक जानवर आ गए, लोग हैबत खा रहे सिटी में रहना कहाँ जाना बोल के। अब खाली सांप का साइज देखो, तीन चार आदमी आराम से इसके पेट में चल जाते हैं। अब तो मेरे को भी बाहर जाना बोल तो डर लग रहा, कहाँ जाओ जानवर आ जा रहे। ऐसा नहीं है कि चलो जंगल के अंदर है तो जानवर आते बोल के, सिटी के बीच में गलियों में हर जगह जानवर आ जा रहे, वो भी एक से खतरनाक जानवर। तो लोग उम्मीद भी नहीं रखे होंगे कि ऐसे जानवर आते सिटी में बोल के, वैसे वैसे जानवर दिख रहे अपने को बाहर बाहर। तो भाई गलियों में घरों में बोल तो अलग बात है, यहाँ तक कि एटीएम में भी सांप आ गया। अब ये सांप इतना बड़ा सांप एटीएम में कहाँ आया सोचो, अब लोग इतना बड़ा कोबरा सांप है एटीएम में। अब लोग पैसे लेने जा रहे बोल तो सांप निकल रहा बाहर, अच्छा हो कोई भी नहीं गए, नहीं तो निकलने का भी रास्ता नहीं रहता। अब शाम देखो परेशान है, अंदर आने को आ गया, बाहर कैसा जाना समझ नहीं आ रहा, बाहर के कितनी पब्लिक है, परसों तक खुले में फिरने वाला सांप अब फंस गया इसमें। अब सांप मीत बोलाऊंगा चलो भाई थोड़े पैसे विड्रॉ कर लेंगे, आए सोते को इतने साल का क्या जमा हुआ पीएफ मेरा, इंटरेस्ट के पैसे कितने आए क्या आए बोल के सांप आया एटीएम को। अब सांप आने को आ गया, आते के लोग घेर लिए। अब सांप बोल रहा नक्को रे पहली फुर्सत में पैसे लेकर चल जाएंगे बोल के, अब सांप एटीएम मशीन चढ़ता। मतलब सांप इतने एडवांस हो जा रहे, देखो सांप को पैसे विड्रॉ करना भी आ गया। मैं परसों तक समझ सुन था खाली इंसान है समझदार जी होंगे बोल के, लेकिन सांप भी एक से बढ़ के एक समझदार हो जा रहे आजकल, पूरी दुनिया होशियार हो जा रही है। और थोड़े साल के बाद इंसान जानवर पूरे मिलकर साथ में काम करेंगे, बोल तो मेरे एक तरफ भालू बैठेगा, एक तरफ शेर बैठेगा, एक तरफ कुत्ता बैठेगा, पूरे चारों तरफ जानवर बैठ के मिलकर मिलकर काम करते लोग। खाली सोचो बोलो पूरा एक जू में सर पूरी जिन्हें साथ में बैठ के काम करे सरकार, देखो सांप मार जाए पैसे लेने जा रहा सांप, कितना एंटिक है देखो। अब सांप को हर चीज़ मालूम है, एटीएम में पब्लिक देखो उसके बाहर उड़ी पड़ी सो, खाली सांप अटैक करा समझो, ग्लास फोड़ के किलोमीटर दूर फाँकना, देखो सांप पिन नंबर पूरे मार दे रहा। सांप एकदम एडवांस सांप है ये, इंग्लिश में बोलते नहीं 21st सेंचुरी बोल के। वैसा सांप देखो कौन सा सुराख मिल गया, सुराख में चल जा रहा सांप, उसको कैसा पकड़े क्या पकड़े समझ नहीं आ रहा मेरे को। अब मेरे को एटीएम में जाना बहुत डर लग रहा, नक्को वाह कहाँ सांप आ जाएंगे, पिन नंबर मारते कि डब्बा खोलते कि सांप निकलेगा बाहर, पैसे लेने के देने हो जाएंगे। खैर जो भी है देखो बहुत खतरनाक है, ज़रा लॉकडाउन के बाद भी आप लोगों ने देख समझ के निकलो बाहर, कुछ ना कुछ होते जा रहा, कहीं मॉल वाला इतने बंद है मॉल में, क्या क्या निकलेगा कि मॉल में समझ नहीं आ रहा। आप लोग पूरे केयरफुल रहो, पूरे घरों में रहो। अब लोगों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है बोलता हूँ, डरना किससे भाई, कोरोना से डरना, जानवरों से डरना, पुलिस वालों से डरना, किससे डरना, इतने चीज़ें हो जा रही है बोल तो। अब लोगों को लिस्ट बनाना पड़ता क्या क्या चीज़ों से डरना, मतलब 2020 में आने के बाद भी इतने चीज़ों से डर रहे, इतना टेक्नोलॉजी आने के बाद भी देखो कहाँ की जंगलों से जानवर रोड पर आ जा रहे, क्या क्या किया जा रहे। अब ये सांप अंदर चल गया, इसको निकालना कैसा, अब पैसे ना निकाले तो पैसों के साथ नहीं निकलता सांप, एक से बढ़ के एक जानवर ना दिख रहे बाहर। अब ये देखो दिल्ली में पीकॉक आ गया, अब पीकॉक आया है क्या किरा, पीकॉक कांच को मारते आ रहा। अब लोग देख रहे होंगे खिड़की को मार रहा, खोल मिया खोल खोल बोल के, लोग परेशान, और इतना बड़ा पीकॉक कहाँ से आ गया भाई। अब तक पीकॉक के पंखा खाली हम लोग लेके घरों में चिपकाते थे, अभी थोड़ा पीकॉक ही छा गया घर में, लोग परेशान बोल तो परेशान हो रहे। अब इसको कुछ बोले बोल तो गवर्नमेंट नहीं छोड़ती, कहीं बोल तो पीकॉक अपना नेशनल बर्ड है। अब इतना बड़ा बर्ड देखो, मैं जिंदगी में पीकॉक खाली दूर जू में यहाँ वहाँ देखा, हमारे घर में तो अभी तक कोई जानवर नहीं आए। हम लोग खतरनाक चीज़ें हैं, जानवर बोल रहे कॉम्पिटिशन नहीं देते भाई हम आमिर भाई को बोल के। देखो
मार से यार कांच खोल मियाँ, खोल खोल रे भाई खोल, मैं भी अंदर आता हूँ, मैं भी बैठ के तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता हूँ बोल के जानवर भी जिद पे खड़ गया। अरे हैदराबाद में कुछ दिन पहले लेपर्ड आ गया, इतना बड़ा लेपर्ड, वो भी इन्हें भी सिटी के बीच बीच में सिटी में आ गया लेपर्ड। मतलब सोचो भाई आप लोग क्या क्या जानवर आ जा रहे, देखो अब देखो अटैक करने आ रहा लेपर्ड, लोग वहाँ पूरे परेशान हैं। हम इतने किराक हो गए घरों में रह के, ना भालू से डर रहे, ना सांप से डर रहे, ना पीकॉक से डर रहे, लेपर्ड से भी नहीं डर रहे। लेपर्ड के सामने खड़े के लोग वीडियो वाले रहे, लेपर्ड डर के भाग रहा, क्या आन तो भी जाऊँ रहे भाई, जरा चैन से नहीं रहने दे रहे, जरा सिटी को आके देखेंगे क्या हो रहा सिटी में, बोले तो लेपर्ड आ गए। अब देखो लोग लेपर्ड उस तरफ सो के है, लोग हेलो गाड़ी में जा गाइस, मैं रहे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमर द फ्री ट्रैवलर। इंडिया में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, एक से एक एंटिक चीजें देखने को मिल रहे। कहीं कार के नीचे सांप निकल रहा तो कहीं शेर आ जा रहा, कहीं जंगली बिल्ली आ जा रही तो कहीं मोर आ जा रहा। ऐसा चला तो इंडिया एक जंगल बन जाता थोड़े दिन में। 1 महीने के 2 महीने के लॉकडाउन में इंडिया का ये हालत है, तो सोचो अगर 6 महीने का लॉकडाउन हुआ तो पूरा एक बड़ा जंगल बन जाता। ये लोगों को समझ नहीं आ रहा, डरे तो डरे किससे, कोरोना वायरस से डरे या जंगली जानवरों से। ऐसा देखो वीडियो में कैसा कैसा हो जा रहा हालत। कुछ दिन पहले तक लोग परेशान हो गए हैदराबाद में, काला पैंथर ब्लैक पैंथर आ गया बोल के, वो देखे तो जंगली बिल्ली निकली, वो फिर भी जंगली बिल्ली भी बहुत खतरनाक है भाई।